हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं ये चौथी क्लास है रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कुल खाद्यान्न है उसके प्रोडक्शन में यूपी नंबर वन है। कुल खाद्यान्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी नंबर वन है इसमें। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि चावल की, इसमें देखिए फसल क्षेत्र फल वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में नंबर वन कौन है। सो कुल खाद्यान्न में यूपी नंबर वन है। अगर बात करें चावल की, तो चावल में वेस्ट बंगाल नंबर वन है प्रोडक्शन के मामले में, यूपी नंबर दो पे है। सो यूपी बिकॉज दूसरे नंबर पर, इसलिए यूपी का आपको बता होना चाहिए, लेकिन पहले नंबर पर आपको वेस्ट बंगाल का बता होना चाहिए। आपको बता होना चाहिए कि चावल के लिए पानी की जरूरत बहुत होती है, सो इसलिए वेस्ट बंगाल में बारिश वारिश भी बहुत होती है, तो इसलिए वेस्ट बंगाल नंबर वन है। यूपी दूसरे नंबर पर है, कुल खाद्यान्न में यूपी नंबर वन था ही। इसके बाद में आप बात करोगे, और साथ में ध्यान रखना कि जो चावल है ना, चावल में प्रोडक्टिविटी बहुत पूछा जाता है, तो चावल की प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। इसके बाद में आप बात करोगे गेहूं की, गेहूं में यूपी नंबर वन है, और इसका जो फसल क्षेत्रफल है उसमें भी यूपी नंबर वन है, यानी कि गेहूं जो है वो यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो इसमें भी पंजाब है। पंजाब छोटा एरिया है, लेकिन वहां पर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, बहुत अच्छा उत्पादन होता है गेहूं एंड चावल का। इसके बाद में आप बात करोगे मोटा अनाज की, मोटा अनाज का उत्पादन कर्नाटक में बहुत ज्यादा है। फसल क्षेत्रफल की बात करो, यानी कि अगर एरिया की बात करो, तो एरिया के मामले में राजस्थान है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटक में बहुत ज्यादा होता है मोटे अनाज का। मोटे अनाज में आप जानते हो जो आपका बाजरा वगैरह हो गया, ये सब आते हैं। इसके बाद में बात करोगे दालों की, दालों का जो टोटल प्रोडक्शन है एमपी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एमपी दालों के मामले में आगे है, और फसल क्षेत्रफल भी एमपी में ही है। प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो उसमें भी एमपी है, तो आपको ये याद रखना है दालों के केस में। आप आगे आओगे तो इसमें आप देखोगे कि जो मक्का है, मक्के के प्रोडक्शन में कर्नाटक सबसे आगे है। इसके बाद में आप बताओगे, बात आती है ज्वार की, ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र है। ध्यान रखना है आपको, ज्वार में महाराष्ट्र है। इसके बाद में बात आती है बाजरे की, बाजरे में राजस्थान है। ज्वार बाजरा एक साथ नाम लिया जाता है, लेकिन बाजरा तो राजस्थान में है, लेकिन ज्वार महाराष्ट्र में है। इसके बाद में आप बात करोगे चने की, चने में महाराष्ट्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरहर की बात करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरहर महाराष्ट्र है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसी को यहाँ पर फिल्टर करके लिखा हुआ है। इसके बाद में आप आगे आ जाओगे, यहाँ पर देखोगे जो पशुपालन डेयरी या जो फिश वगैरह से रिलेटेड आंकड़े होते हैं, उनसे रिलेटेड डेटा होता है, उनके बारे में आपको देखना है। देखिए, अगर आप बात करें अंडे के उत्पादन की, यानी कि एग के प्रोडक्शन की, तो इसमें आंध्र प्रदेश नंबर वन है, आंध्र प्रदेश नंबर वन है एग के प्रोडक्शन में। इसके बाद में वूल आता है, यानी कि ऊन, ऊन के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर वन है। बहुत हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर ऊन मिलती है, बिकॉज यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। देन अगर आप बात करोगे मांस की, यानी कि मीट की, तो मीट के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर वन है। दूध के उत्पादन में बात करोगे तो राजस्थान नंबर वन है, यूपी नंबर दो है। मछली के उत्पादन में बात करोगे तो आंध्र प्रदेश नंबर वन है। इसके बाद में आपका आ जाता है रेशम का उत्पादन, यानी कि जो आपका सिल्क है, सिल्क भी कई तरीके का होता है, तो ये जो शहतूत मुलबरी सिल्क होता है, इसमें कर्नाटक नंबर वन है। ध्यान रखिएगा, शहतूत ये जो मुलबरी वाला है, इसमें कर्नाटक नंबर वन है। अगर टसर सिल्क की आप बात करोगे तो इसमें झारखंड नंबर वन है। अगर इरी प्रोडक्शन, इरी के प्रोडक्शन की बात करोगे, इरी इज अ टाइप ऑफ सिल्क, तो इसमें असम नंबर वन है। इसी के तरीके से अगर आप मूंगा रेशम की बात करोगे, मूंगा सिल्क, तो इसके प्रोडक्शन में भी असम नंबर वन है। अब असम दो चीज़ों में है, एक आपका इरी टाइप और एक आपका मूंगा टाइप, और इसके अलावा जो टसर वाला था वो झारखंड था, टसर झारखंड, और जो मुलबेरी वाला था उसमें कर्नाटक नंबर वन था। इसके बाद में अगर आप रेशम ओवरऑल देखोगे तो इसमें कर्नाटक नंबर वन है, क्योंकि कर्नाटक ऑब्वियसली कई टाइप के करता है, तो इसलिए ओवरऑल रेशम में, ओवरऑल सिल्क के प्रोडक्शन में कर्नाटक नंबर वन हो गया। जो लैक होता है उसमें आपका लाख में झारखंड नंबर वन हो गया। कुछ कुछ यहाँ पर मिनरल्स के प्रोडक्शन भी है, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर बात की जाए सोने के प्रोडक्शन की, तो सोने के प्रोडक्शन में चीन नंबर वन पे है, चाइना नंबर वन पे है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में चाइना नंबर वन है। दोनों ही चीज़ों में चाइना है, सोना और ग्रेफाइट। इसके बाद में बात करते हो लेड की, लेड के प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर वन है। मैग्नीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका नंबर वन पे है। अभ्रक की बात करें, अभ्रक की, तो इसमें चाइना नंबर वन पे है। नेचुरल गैस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोडक्शन में यूएसए है, और अगर भंडार की बात की जाए तो रूस है, यानी कि अगर रिजर्व देखो आप नेचुरल गैस के, तो वो रशिया में है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की बात करो नेचुरल गैस की, तो उसमें यूएसए नंबर वन है। अगर आप बात करो चांदी की, तो चांदी में मैक्सिको है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैक्सिको की चांदी ही चांदी है, मैक्सिको की चांदी ही चांदी है। इसके बाद में अगर आप बात करो चांदी के भंडार की, यानी कि चांदी के रिजर्व की, जहाँ पर बहुत सारी चांदी हो, तो पेरू में बहुत सारी चांदी है, यानी कि पेरू के पास बहुत सारी चांदी है, लेकिन एक्चुअल में चांदी मैक्सिको, यानी कि पेरू में भंडार बहुत है। इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद आप देखोगे टिन, तो टिन के प्रोडक्शन में चाइना नंबर वन है। टिन चीन, इसको पांच बार अपने दिमाग में आप इसी तरह से बोलिए, आप कभी नहीं भूलेगा, कभी आप नहीं बोलेंगे कि टिन चीन है प्रोडक्शन में। प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम के उत्पादन में साउथ अफ्रीका नंबर वन है। अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी साउथ अफ्रीका के पास ही है प्लैटिनम का। प्लैटिनम बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, सो प्लैटिनम रिंग आपने सुनी होगी, यू नो तनिष्क की प्लैटिनम रिंग। सो प्लैटिनम के प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका, रिजर्व में साउथ अफ्रीका, टिन चीन प्रोडक्शन में है, और भंडार में अगर बात करें तो इंडोनेशिया है, और टिन के लिए वैली भी है प्रॉपर, तो वो
कहाँ पर हैं, किंटा की जो किंटा वैली है वो कहाँ पड़ती है, मलेशिया में है कि इंडोनेशिया में है, ध्यान देना है आपको, लेकिन आपको इंडोनेशिया याद जरूर करना है। इसके बाद में बात करेंगे आप क्रोमाइट की, तो क्रोमाइट के प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका है, क्रोमाइट के प्रोडक्शन में साउथ अफ्रीका, और जो इसका भंडार है जो रिजर्व है वो कजाकिस्तान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। क्रोमाइट की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका है, लेकिन अगर रिजर्व की बात की जाए तो वो कजाकिस्तान है, और भारत क्रोमाइट में तीसरे नंबर पर है रिजर्व के मामले में, और प्रोडक्शन के मामले में भी क्रोमाइट में तीसरे नंबर पर है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है कि इंडिया थर्ड नंबर पे है इन केस ऑफ क्रोमाइट। इसके बाद में बात आती है यूरेनियम की, यूरेनियम के प्रोडक्शन में कजाकिस्तान नंबर वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रिजर्व की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया इसमें नंबर वन पे है यूरेनियम में, यूरेनियम आपको ध्यान से याद रखना है। इसके बाद में अगर सीमेंट की बात करें तो इसमें इंडिया नंबर दो पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चाइना नंबर वन पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका जितना भी इस तरीके का ये डेटा होता है एग्रीकल्चर एंड मिनरल डेटा, ये कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है वो, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। थैंक यू सो मच।